बीपीएल कृषक बकरी पालन योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल परिवारों को उनकी आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए उन्नत नस्ल की 522 सिहोरी नस्ल की बकरियां 10.1, 4.1 और 2.1 यूनिट में इनका वितरण किया जाएगा। इन बकरियों का चयन उप निदेशक पशुपालन डॉक्टर सुशील शर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी, जिसमें डॉक्टर विपिन कुमार सहायक निदेशक भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र तालव, डॉक्टर अतुल पुरी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी नदौन द्वारा किया गया था। उप निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर सुशील शर्मा ने बताया कि ये बकरियां बीपीएल परिवारों को वितरित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा बकरियों के पालन के लिए 3 माह तक फीड का वितरण भी उपदान पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी बकरियों का बीमा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिहोरी नस्ल की ये बकरियां राजस्थान राज्य के अजमेर और नागौर जिले से मंगवाई गई हैं। ये 48 डिग्री और 0 डिग्री तापमान पर जीवित रहती हैं और यह हिमाचल प्रदेश की जलवायु के हिसाब से उत्तम है। उन्होंने बताया कि ये बकरियां एक बार में 2 से 4 बच्चे देती हैं और इनके अन्य बकरियों की नस्लों के मुकाबले थन ऊपर की ओर उठे होते हैं, जिस कारण पहाड़ियों में उनके थनों में कट या घाव होने की कम चांस होते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 116 बकरियां पहले ही विभाग द्वारा बांटी जा चुकी हैं। बकरी पालन योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग के सौजन्य से एक ऐसा फैसला है जो बीपीएल को फैमिलीज को जो प्रधानमंत्री मोदी का 2022 तक उनकी इनकम को डबल करने का जो टारगेट है उसके लिए पूरी तरह उपयुक्त है। ये हम बीपीएल कृषक बकरी पालन योजना में हमने अब तक 116 पहले और 522 इस बार बकरियाँ जो हैं वो यहाँ के बीपीएल परिवारों में बांट चुके हैं। 10.1, 4.1 जो और 2.1 की यूनिट्स हम बांट रहे हैं। इसमें 40% जो इसका शेयर है वो फार्मर दे रहा है, 60% गवर्नमेंट दे रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट इनका इंश्योरेंस फ्री करा रही है और इनको 3 महीने का जो बकरियों का जो फीड का खर्चा है वो भी गवर्नमेंट इनको सब्सिडी में ही दे रही है, पूरी तरह फ्री दे रही है। इसमें हम ये जो बकरियां लाए हैं ये सिरोही नस्ल की हैं और हमारा ये टारगेट था कि पूरी तरह से प्योर नस्ल आए, तो ये सिरोही नस्ल जहां से ओरिजिनेट हुई है वो अजमेर और नागौर जो जिले हैं राजस्थान के उनके बॉर्डर पर सिरोही बरवाल 2-3 गांव हैं वहां से ओरिजिनेट हुई है, तो हम ये बकरियां वहीं से लाए हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है, इसलिए ये बकरियाँ प्योर नस्ल की सिरोही हैं। इस सिरोही नस्ल को चुनने का मेन जो मकसद था वो ये है, ये बहुत हार्डी ब्रीड है, ये राजस्थान के टेम्परेचर में 48 डिग्री से लेकर तो सब जीरो टेम्परेचर तक सर्वाइव करती है। स्कैंटी फोडर होने की वजह से भी ये अपने आप वेट गेन अच्छा करती है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोलिफिक ब्रीडर है ये एक बार में 2, 3 और 4 बच्चे देती है। इस हिसाब से अगर इसकी 2 साल में हम 3 किडिंग माने तो 2 साल में कम से कम हमारे पास 4 से 5 बच्चे जो हैं वो और तैयार होते हैं। और दूसरा सिरोही नस्ल को चुनने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि ड्रेसिंग परसेंटेज यानी कि बकरी का जो भार है जीवित का और उसका जो मीट निकलेगा उसके मामले में ये सबसे अच्छी परसेंटेज ड्रेसिंग परसेंटेज है। इसकी ड्रेसिंग परसेंटेज कोई 48 से 49% है जबकि बाकी बकरियां जो हिमाचल की लोकल बकरियां हैं उसमें ये 40-42% ही होता है, तो उस हिसाब से मीट का जो है वो भी ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। और एक और कारण जो इसको चुनने का रहा कि इसका जो अडर होता है जो इसके थन होते हैं वो ऊपर को उठे हुए होते हैं, तो ऊपर को उठे होने से उनमें लेसिरेशन के चांस जो बाकी जमुनापरी या बीटल ब्रीड हैं उनके थन लटके होते हैं, तो जब हिमाचल में वो चलेंगी ऊंची नीची पहाड़ियों पे और कंटीले रास्तों पे तो उनके थनों में कट लग सकते हैं तो वो बेकार हो जाएंगी। इसमें ऊपर की ओर उठे होते हैं, थोड़ा सा अगर थैली बांधेगा फार्मर तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हमें अच्छी लगी ये स्कीम बकरियों वाली। हाँ जी, और ठीक है, ये 10 बकरियाँ हैं, 1 बकरा करेंगे अच्छी तरह। बढ़िया नस्ल की बकरी है, बढ़िया नस्ल की है। और ये परवेसरी और सिरोही बकरी है जो हमारे ये हनुमान राम जी समरिया के फार्म है वहाँ से आई है। यह बहुत बेस्ट बकरी है, यह बहुत अच्छी नस्ल वाली बकरी है जो लोग लेते हैं और ये पालते हैं और ये गरीबी स्थिति के नीचे निवास कर रहे हैं लोग, उसके लिए ये बकरी जाती हैं और इसका अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं। और ये बकरी हमारे ऑल इंडिया के अंदर चलती है। मैंने बकरियां ली है, बकरियां जो है बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए
जिनको अच्छी तरह से इनका पालन पोषण करके जो है हम किसानों को बहुत फायदा है और इससे हमारी बढ़ोतरी होगी, बहुत आमदनी होगी इससे, और हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं।